तो दोस्तों आपने सही देखा थंबनेल पे कि आपको किराने का सामान, जनरल स्टोर का सामान और गुटके के प्रोडक्ट आपको आधे रेट पे मिलने वाले हैं। कैसे मिलने वाले हैं, कैसे ये सब आपको मिलेगा, ये सारा चीज़ हम डाउट क्लियर करेंगे अभी अभी पाँच मिनट में। आप भी सोचते होंगे यार ये कौन सा ऑफर आ गया कि सारे प्रोडक्ट आपको आधे रेट पे मिलेंगे, क्या ये मजाक है, सोच रहे हो। और आपने इस थंबनेल पे आने से पहले भी यही सोचा होगा कि ये क्या सर ने बना दिया, ठीक है, ए टू जेड कॉन्सेप्ट चैनल पे ये क्या दिख गया, ठीक है, कहाँ पे ये ऑफर चल रहा है, ठीक है। तो ये ऑफर ए टू जेड कॉन्सेप्ट चैनल पे चल रहा है दोस्तों, ठीक है, ये पूरी तरह से बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जो अपने व्यूवर्स को मैं बताना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनके लिए, जो लोग नए लोग हैं, जो लोग दुकान खोलने से पहले वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे कि ये सामान कहाँ से मिलेगा, वो सामान कहाँ से मिलेगा, या हमारी वीडियो को देखते हैं या हमारे जैसे और भी चैनल हैं उनकी वीडियो को देखते हैं, और ठीक है, कैसे आपको लोग इस पे ठग रहे हैं, कैसे आपको ठगा जा रहा है, ऐसे कई केस हमारे सामने आ गए। कई लोग ऐसे हैं जो गुजरात से हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो महाराष्ट्र से हैं, जो हमको कांटेक्ट किए कि सर आपके चैनल पे जो वीडियोस देख के बहुत ज़्यादा ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। तो मैंने भी सोचा यार ये कैसे हो सकता है, मेरे चैनल पर कौन सा फ्रॉड हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो मैंने बात किया उस लड़के से जो गुजरात का था, उसको रवि नाम है शायद, और इंस्टाग्राम पर उसने मैसेज किया था, कमेंट भी किया था, तो उससे मैंने बात किया। पूरी बात क्या है ये आप समझिएगा क्यों मैं इस तरीके से कह रहा हूँ, हो सकता है कि आप भी उसके शिकार हो सकते हैं या फिर हो चुके होंगे, ठीक है, क्योंकि दो तीन केस ऐसे सामने आया। होता क्या है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको किसी प्रोडक्ट की, जैसे मान ली किसी प्रोडक्ट की मैंने अनबॉक्सिंग की और उसकी प्राइस बता दिया कि इसकी प्राइस 500 रुपये है, ठीक है, आप अपने लिए डिस्ट्रीब्यूटर से, अपने नज़दीक के होलसेलर से आप इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। अब होता क्या है कि किसी का कमेंट आ गया कि ये प्रोडक्ट हम आपको 250, 300 या 350 में दिला देंगे, और कोई नया व्यूवर्स आया, उसको लगा है, जो पुराने हैं जो एक्सपीरियंस है वो तो समझ जाएंगे यार ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन जो नए हैं या हो सकता है वो पहली बार अभी दुकान ओपन किए हों, एक दो बार कहीं से सामान परचेज किए हों, हो सकता है उनको भी 500 या 490 या 510 में मिला हो और उनको लगा है यार 300 में यही सामान मिल जाएगा, ये तो बहुत अच्छा है। अब उसमें क्या होता, उसने कमेंट कर दिया नीचे कि हाँ मुझे चाहिए, और अगले ने कमेंट किया कि आप अपना नंबर दीजिए, आपने नंबर दे दिया, और इसके बाद होता हुआ क्या, उस लड़के के साथ क्या हुआ और लोगों के साथ कैसे होता है, तो उसने क्या किया कि उसको शायद लक्स शॉप का और लाइफ बॉय शॉप का शायद और शैम्पू का उसने फ़ोटो भेजा कि ये चीज़ आपको शैम्पू क्लिनिक प्लस आपको आधे रेट पे यानी 400 रुपये पेटी मिल जाएगा। अब बताइए कोई चीज़ 700 रुपये के ऊपर है, उसे 400 रुपये में आप बेच रहे हैं, उसको क्योंकि वो नया था और उसे उतना एक्सपीरियंस नहीं था और उसने सोचा यार 400 में तो बहुत सस्ता है, बहुत अच्छी मार्जिन इसमें मिल जाएगी, तो उसने कॉन्टेक्ट किया और उसने 2500 रुपये 5000 रुपये का आर्डर दिया और 2500 रुपये उसने एडवांस, मतलब उसके जो सामने वाले ने कहा कि 2500 रुपये आप अकाउंट में लगा दीजिए, उसने 2500 रुपये अकाउंट में लगा दिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि एक दो दिन बाद उसने कॉन्टेक्ट किया तो उसने कहा कि आपका माल जो है वो ट्रांसपोर्ट से निकल चुका है, उसने ट्रांसपोर्ट वाले का नंबर दिया, वो भी फ्रॉड ही था, ठीक है, नंबर क्या दिया, उन लोगों का बहुत ही अच्छा खासा चैन है, एक ठगने का तरीका है। तो उसने ट्रांसपोर्ट वाले को कॉल किया तो उसने कहा आपका माल एकदम निकल चुका है और जो भी 2500 रुपये पेमेंट आपको है, बिल वगैरह जो भी हो गलत तरीके से दिखा दिया और उसने विश्वास भी मान लिया कि सही बिल है, और कैसे दिखाया ये सारी डिटेल तो अभी हमारे पास नहीं है। और इसके बाद क्या हुआ कि 2500 रुपये उसने कहा यार 2500 रुपये आप उसने लगा भी दिया और 2500 रुपये अब नहीं लगाएगा तो माल नहीं आएगा, तो अब उसने सोचा यार 2500 रुपये लगाना, और हर आदमी विश्वास भी कर लेता है क्योंकि लोग सोचते हैं यार ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि लेन देन बिजनेस में बहुत दूर दूर तक आदमी विश्वास पे करता है, ठीक है। तो उसने 2500 रुपये लगा दिए, पैसा मिल गया, सारा नंबर उम्बर बंद, काम ख़त्म, माल ना माल आया ना कुछ आया, ऐसे कई लोगों के साथ हो चुका है। और मैं भी कमेंट पे काफ़ी ज़्यादा शार्ट आउट कर रहा हूँ ऐसे लोग के, जो लोग बहुत ज़्यादा कमेंट मारते हैं, नंबर लेते हैं, दो तीन लोग ऐसे हैं जो हर वीडियो पे खासतौर से गुटके वाली वीडियो पे कमेंट मारते हैं कि ये चीज़ आपको सस्ते में मिल जाएगा, और बार बार जो लोग नीचे से कमेंट मारते हैं हमको चाहिए तो उनका नंबर वो मांगते हैं, ठीक है।
अब वो हैं कि नहीं है ये तो नहीं पता, लेकिन लगभग है, तो ऐसे लोग रिमूव कर दिए जाएंगे, वो कमेंट नहीं कर पाएंगे हमारे चैनल पे, ठीक है। और आप भी सावधान रहिएगा कि इस तरीके के जो कमेंट्स आते हैं या इस तरीके के जो माल खरीदने के लिए कहते हैं उनको पहले वेरीफाई करिए, सही होना चाहिए। और ट्रांसपोर्ट की बात किया जाए तो ट्रांसपोर्ट आपको जब माल पहुँचा देता है तो वो सिर्फ अपना किराया लेता है, पूरा बिल नहीं मांगता है, ये चीज़ आप समझिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और आप भी आगे से सतर्क रहिएगा, ठीक है। तो बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी और जो लिख के बता आपको वीडियो को आने का तरीका है तो ये यार करना पड़ता है, ठीक है। तो उम्मीद है यार वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप नए हैं यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करते हैं जहाँ पर आप अपनी समस्या या अपना कोई कमेंट आप करेंगे तो उस पर हम आपसे चैट कर सकें, या फिर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर हम रिप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।